हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त हो गए, मजे में एकदम बढ़िया। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किसी भी फोटो को एनिमेट किस तरीके से कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कुछ पिक्चरों को, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस टाइप से किसी भी फोटो को एनिमेट किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, और किस एप्लीकेशन के थ्रू करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। एंड गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर रोज लेके आते रहते हैं और लाते भी रहेंगे। चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को अपने फोन की स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो गाइज, मैंने अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों के फोन के अंदर जो प्ले स्टोर है, सिंपली से उसको ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से गाइज प्ले स्टोर में अपना ओपन कर लिया हूँ। एंड मेक श्योर कि आप लोगों का जो इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पिक्चर मोशन, ठीक है। पिक्चर मोशन जैसे ही सर्च करूंगा, पिक्चर बस लिखोगे ना तो यहाँ पे पिक्चर मोशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस पे से सिंपल से इसको सर्च कर लेना है, ठीक है। एंड जैसे ही सर्च करोगे गाइज, यहाँ पर आप लोगों के सामने देख सकते हो ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। मेरा ओपन का ऑप्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुछ इस तरीके से जब जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों की गैलरी में जितनी भी फोटोज हैं वो आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पास गाइस क्या करना है आप लोगों को, इस एल्बम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे जैसे ही एल्बम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोगों का गैलरी का ऑप्शन आएगा। सिंपल से गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और गाइस यहाँ पे आप जहाँ कहीं भी आपका फोटो है उसको ऐड कर लेना, ठीक है। अगर चाहो तो अगर आप लोग किसी भी फोटो का स्काई टाइम लैप्स करना चाहते हो ना तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें जो वाटरफॉल है ना गाइस, उस जो हमारा जो पानी है उसको मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा, ठीक है। तो किस तरीके से करना है जैसा आप लोगों ने प्रीव्यू देखा था, तो जब यहां पे आओगे ना तो यहां पे काफी सारे यहां पे रेशियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से जो जहां पे भी पोस्ट करना है वो वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी का कर लेता हूं, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस मुझे इस वाले एरो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही क्लिक करूंगा गाइस, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहां पे फर्स्ट नंबर पे देख सकते हो एनिमेट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से गाइस इस एनिमेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, यहां पर देख सकते हो काफी सारे टूल्स आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। तो इनमें से कौन कौन सा टूल यूज करना है मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो पहला है हमारा मोशन और दूसरा है हमारा पिन। यहां पर देख सकते हो सेकंड नंबर में मोशन का टूल है एंड फोर्थ नंबर में पिन का टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, मोशन ऐड करना है, ठीक है। तो मोशन किस तरीके से ऐड करना है, तो सबसे पहले ये जान लो, अगर आप लोगों को स्पीड में अगर आप लोगों को वाटर नीचे गिराना है तो इसको हाई कर देना, ठीक है। और अगर कम मतलब स्लो मोशन में करना है तो इसको धीरे कर देना, ठीक है। मतलब पीछे की तरफ, जितना पीछे लाओगे उतना ज़्यादा स्लो मोशन में होगा, आगे ले जाओगे तो थोड़ा फास्ट मोशन में होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, नॉर्मल में रखूंगा, ठीक है। कुछ इतना करने के बाद गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, अपने मोशन वाले पे इस पर सेलेक्ट रहने देना, ठीक है। एंड ऊपर से ना कुछ इस तरीके से जिधर भी आप लोग अपना ये वाटर गिराना चाहते हो ना, कुछ इस तरीके से आप लोगों को नीचे लेके आना है, ठीक है। मतलब कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है अपने फिंगर से, जिस तरीके से यहां पे मैं कर रहा हूं, आप लोग भी कुछ इसी तरीके से सेम कर लेना, ठीक है। अच्छे से आराम से करना ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहां पे मैं कर रहा हूं आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा। इतना करने के बाद गाइस यहां पर देख सकते हो अभी ना क्या है कि अगर मैं अभी इसको ओके कर दूंगा ना तो क्या होगा ना कि जो हमारा फोटो है ना वो भी साथ में एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो हमारा फोटो भी एनिमेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है गाइस कि हमको अपने फोटो पे पिन करना है, ठीक है। तो ताकि हम पिन कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगा, जो जो हमें सब्जेक्ट हमें मूव नहीं कराना है, तो ठीक है। तो पिन पे सिंपल से क्लिक करूंगा एंड गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके से ना डॉट 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 कुछ इस तरीके से आप लोगों को करते जाना है। मतलब जिस सब्जेक्ट को आप लोग मूव नहीं कराना चाहते हो कुछ इस तरीके से आप लोग कर लेना, जैसे कि यहां पर देख सकते हो गाइस मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर लेना, जैसे कि यहां पर देख सकते हो। तो आराम से करना गाइस, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। जितना आराम से करोगे उतनी अच्छी आप लोगों की ये वीडियो कंप्लीट होगी, ठीक है, अच्छे से बनेगी। तो यहां पे भी मैं कर लेता हूं, ठीक है, इन पत्थरों पे, क्योंकि इसे भी मुझे एनिमेट नहीं करना है, सिर्फ हमें वाटर को एनिमेट करना है, ठीक है। इसलिए मैं कर दिया हूं यहां पे अच्छे तरीके से। तो इतना सारा जैसे
डॉट करोगे ना गाइज, यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से मैंने कर दिया। इतना करने के बाद गाइज अगर आप लोग देखना चाहो तो फिर से वहीं से प्रीव्यू देख सकते हो, लेकिन गाइज मुझे इतना ही कुछ करना है तो यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा। देन डन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्ले करने का ऑप्शन आ गया है, तो सिंपल से इस प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अब हमारी यहाँ पे फोटो देखो कितनी अच्छी तरीके से जो हमारा वाटर है वो मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने नॉर्मल में किया है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट मोशन में करता तो और भी मस्त लगता देखने में। ठीक है, तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए इतना के लिए बता दिया, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। अगर आप लोगों को फास्ट मोशन में चाहिए तो जहाँ पे मैंने बोला था उसका अमाउंट को बढ़ा देना। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ वाटरफॉल वाली वीडियो एडिट कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो स्काई वाली वीडियो एडिट कर सकते हो। वैसे भी स्काई वाली वीडियो अभी के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ठीक है, तो आप लोग ये वाले ट्रिक से ना बहुत ही आसानी से बिना स्काई ऐड किए अपने स्काई को अच्छे तरीके से टाइम लैप्स कर सकते हो। ठीक है, तो इतना करने के बाद गाइज अब अगर आप लोगों को इस वीडियो को सेव करना है तो सिंपल से इस सेव वाले आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से आप लोग अपना ड्यूरेशन वगैरह, ठीक है, रेशियो वगैरह रख लेना। तो अगर आप लोग 1080p में करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन मेरे को 720p बहुत ही अच्छा लगता है इसका साइज़। ठीक है, तो मैं इतना करने के बाद जो भी अपना सिलेक्ट करना होगा कर लेना अपने हिसाब से। मैं यहाँ से सिंपल से इसको एक्सपोर्ट जैसे ही करूँगा तो ये वीडियो गाइज हमारी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी और ये वीडियो को कहीं भी आप लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।